नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में ऐसा बयान दिया जिसके बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में बवाल मच गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि उनके दिमाग में इन दिनों बी ग्रेड फिल्म चल रही है। वहीं बिहार विधानसभा की एक महिला विधायक विधानसभा में नीतीश के बोल सुनकर सदन से बाहर निकलकर रोने लगी। नीतीश कुमार के इस विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलकों में उनकी जमकर आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश कुमार के बयान पर टिप्पणी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सीएम नीतीश के बयान की आलोचना करते हुए कहा, इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में मैं नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूँ। विधानसभा में उनकी अमर्यादित टिप्पणी पर महिला की गरिमा और सम्मान का अपमान हुआ है जिसकी हर महिला हकदार है। उनकी भाषा बहुत अपमानजनक और घटिया है। अगर कोई नेता लोकतंत्र में खुलेआम ऐसे बयान देता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। मैं इस बयान की निंदा करती हूं। बता दें, सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि भला कोई इतना गंदा हो सकता है क्या। बिहार विधानसभा के बाद विधान परिषद में महिला और पुरुष के संबंधों का घृणित और निकृष्ट शब्दों में पोस्टमार्टम करके नीतीश कुमार ने अपना चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है।